तो गाइस आज की वीडियो में आप लोग का भाई यह बताने वाला है गाइस, यदि आप लोग मेरा जैसे ब्लैक शेडो पीएनजी को यूज करना चाहते हो, अभी आप लोग देख सकते हैं मैंने ब्लैक शेडो पीएनजी को येलो में यूज किया है, अब ब्लू कलर भी मैंने इसको यूज कर लिया है, ठीक, और रेड कलर भी मैंने इसको यूज किया है। और सच गाइस आप लोग मैं यह भी बताऊंगा ब्लैक शेडो जो पीएनजी होता है पिक्सेल ऐप से कैसे बनाया जाता है, और एकदम सरल आसानी तरह से आप लोग सिखा दूंगा, आप कोई भी कलर में इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आप लोग देख सकते हैं, आप लोग मैंने दिखाई दिया, मैं येलो कलर भी मैं ब्लैक शेडो पीएनजी को यूज कर लेता हूँ, चाहे ब्लू चाहे नीला हो, सॉरी कोई सा भी कलर में आप लोग अच्छा खासा यूज कर सकते हो, और ब्लैक शैडो पीएनजी को अच्छा खासा आप लोग पिक्सेल ऐप से बना सकते हो। आपका भाई ओनली 2 मिनट भी नहीं लगे, 1 मिनट में आप लोग को भाई बता देगा कि आखिर कैसे आप ब्लैक शैडो पीएनजी को बना सकते हो, आपको कहीं भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, प्लीज आप लोग वीडियो बढ़ने से पहले आप लोग मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता प्लीज भाई को देखो बस, प्लीज भाई को लाइक भी कर देना, अगर आप लोग मेरा चैनल पसंद आता प्लीज चैनल बनाए तो भाई के लिए तो सब्सक्राइब कर दो, अगर वीडियो पसंद है जब करना, ठीक है। तो गाइस मैं चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, मैं वहीं पास आप लोग बताता हूँ पिक्सेल ऐप के द्वारा गाइस कैसे आप लोग भी अच्छा खासा ब्लैक शैडो पीएनजी बना सकते हो, और कोई से भी कलर में कैसे ऐड कर सकते हो। तो आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया, मैं चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो देख सकते हैं आ चुके गाइस अपने मोबाइल स्क्रीन पर, भी आप लोग देख सकते हैं मेरा पिक्सेल ऐप, और मैंने पिक्सेल ऐप से यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अभी थंबनेल को बनाया था ब्लैक शैडो पीएनजी, बट गाइस आपका भाई एकदम नया तरीके से बताएगा जिसमें आप लोग अच्छा खास आसानी से समझ में आ जाए। देख सकते हैं गाइस मैं नया पेज ओपन कर लेता हूँ, एग्जिट में चले जाता हूँ, ठीक है। आप लोग अपने पिक्सेल ऐप पर आ जाइएगा, पिक्सेल ऐप में आने के बाद आप लोग मोबाइल में कुछ ऐसा इंटरफेस है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कटर्स वाले ऑप्शन पर चले जाना, कटर्स वाले ऑप्शन जाने के बाद आप लोग ऊपर ऑप्शन मिलता है 3 डॉट की लाइन में क्लिक कर देना, आपको अपन इमेज साइज को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं मैं यूट्यूब थंबनेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यूट्यूब थंबनेल को सेलेक्ट करने के बाद अब आप लोग को ध्यान से देखना, अब अपना काम असली यहीं से स्टार्ट होने वाला है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते सबसे नीचे चौथे नंबर पर चले, ए लिखा है, ए के बाद यहाँ पर चौथे नंबर में चले जाना है। अब आपको मन कुछ ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, आप लोग करना है, लिखा क्या ट्रांसपेरेंट, ध्यान से देखना मेरे बाल्टी ट्रांसपेरेंट, भाई आपको पता था आपका भाई स्टेप बाय स्टेप समझाएगा जिससे आप लोग भी अच्छे खासा सीख जाना, पिक्सेल ऐप से अच्छा खासा ब्लैक शैडो पीएनजी को बना सकते हो, किसी भी थंबनेल ऐड कर सकते हो। अब आपको ऑप्शन मिलता है कलर का, कलर वाले ऑप्शन में चले जाना, कलर वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको ध्यान से देखना, अब कलर वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको करना है ग्रेडियंट में क्लिक कर देना, ग्रेडियंट में क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है एकदम भाई आपका स्लोली स्लोली बताने वाला है। अब आपको करना क्या है, अब आप लोग देख सकते हैं इस तरह आपके मोबाइल में कुछ इंटरफेस है, ग्रेडियंट में जाने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह भी कुछ ऑप्शन में चले जाना है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग मोबाइल में कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, यहाँ पर कुछ व्हाइट होगा, इस साइड कुछ ब्लैक होगा। अब आपको करना क्या, आपको ऑप्शन मिलता है ब्लैक का, प्लस का, सॉरी आप लोग यहाँ प्लस का ऑप्शन मिलता है, प्लस वाले आइकन में चले जाना, प्लस वाले आइकन में जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ऊपर ऑप्शन मिलता है, इस ऊपर वाले में एक ठो में क्लिक कर देना साइड में, इस तरह आप लोग घींच बढ़ा सकते हो, ठीक है, इसको कहीं बढ़ा सकते हो। देख सकते भाई अपनों को इस तरह ब्लैक शैडो पीएनजी चेंज, जिसमें आधे में ब्लैक रहे और कुछ में आप कोई सा भी कलर को ऐड कर सकते हो। आपको करना क्या है, इसके बाद सबसे नीचे आप लोग देख सकते हैं प्लस लिखा है, माइनस सबसे नीचे लिखा है कलर वाले ऑप्शन, आप लोग कलर वाले ऑप्शन में चले जाना, कलर वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहीं पर ध्यान से करना मेरे भाई, यहाँ पर देख सकते हैं मैं करता क्या हूँ, इसको मैं देख सकते हैं यहाँ सेट कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ सेट कर देता हूँ, ठीक, घींच बढ़ा देता हूँ। देख सकते हैं गाइस मेरा जो तीनों है ना पूरा उल्टा हाथ साइड चला गया है, मैं तीनों उल्टे हाथ साइड घींच के ला दिया हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं अब मैं ओके कर देता हूँ, जैसे मैं ओके कर देता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं मैं फिर से ओके कर देता हूँ, देख सकते हैं भाई आपको ओके कर दिया, अपना ब्लैक शैडो जो पीएनजी ना बन के तैयार हो चुका है भाई। अब यहाँ पर देख सकते हैं अब मैं ऊपर सबसे ऑप्शन मिलता है 3 डॉट की लाइन का, मैं यहाँ पर कुछ एक्सपोर्ट इमेज कर लेता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं मैं कस्टम जाता हूँ, इसको अल्ट्रा यानी वेरी हाई में एकदम भैया जिसमें गजब का बन जाए। अब आप देख सकते हैं आपका भाई ये गैलरी पे आप सेफ हो चुका है, आपको भाई इसमें रियल प्रूफ करके भी दिखाने वाला है, यहाँ पर देख सकते हैं ये अपना गैलरी पे इस तरह कुछ पेज आ चुका है, आपका भाई दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देख सकते आप पिक्सेल ऐप पे चले जाइए, एकदम नया पेज में जाता हूँ, एग्जिट में जाता हूँ और पिक्सेल ऐप में चले जाता हूँ, ठीक है, इसको मैं कट्टा समा देता हूँ, जल्दी जल्दी इमेज साइज में जाता हूँ, इमेज साइज में जाए यूट्यूब में थंबनेल पे चले जाता हूँ, यूट्यूब थंबनेल में जाने पर कोई सा भी कलर यूज़ कर लेता हूँ, बाय द वे मैं कलर यूज़ कर लेता हूँ रेड ही ले लेता हूँ, ठीक है, आप लोग दिखाने के लिए इसको मैं ओके कर देता हूँ, प्लस वाले आइकन में जाता हूँ, सबसे ऊपर फॉर्म गैलरी पर चले जाता हूँ, फॉर्म गैलरी के जाने के बाद यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं मैंने जो पिक्सेल ऐप से बना के बनाया था ना इसको मैं ओके कर देता हूँ, यहाँ पास देख सकते हैं अपना जो ब्लैक शैडो पीएनजी बन के तैयार हो चुका है, आप लोग कोई सा भी कलर में इसको यूज़ कर दे सकते हैं, इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं, घींच भी सकते हैं, यहाँ पास आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। अब यहाँ पास अपनी फोटो को सेलेक्ट कर लेना है यार, यहाँ पास देख सकते हैं मैं कोई सी फोटो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप लोग एग्जाम्पल के लिए दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पास मेरी कोई सी फोटो होंगी, यहाँ पास कोई सी फोटो को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ देख सकते हैं फ्रंट टू गैलरी फोटोज में जाता हूँ,
और कोई सी भी गैलरी को यही बात है मेरी फोटो, ठीक है। इसी फोटो यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ ऐसा मैं इंटरफेस कर लेता हूँ। अब आप लोग यहाँ पर ब्लैक कलर का कुछ भी यार लिख सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोग थंबनेल बनाना बनता ही होगा। अगर आप लोग मेरा थंबनेल बनाते नहीं बनता, वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग अच्छा खासा तगड़ा थंबनेल बना सकते हो। तो आई होप कि आप लोग को आज का मेरा वीडियो पसंद आ चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है, अगर आप लोग मेरे वीडियो को सीख चुके हैं, तो आज प्लीज एक भाई के लिए दिल से लाइक करना यार। भाई के लिए चैनल पे नया ना सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे मुझे बहुत सारा सपोर्ट लगेगा। अगर आप लोग कॉमेंट जो भी करेगा तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगेगा कि इस भाई ने कॉमेंट किया, मुझसे जुड़ गया, दोस्त बन गया। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो, यूजर आई डी मैं नीचे दे दूंगा, यूजर आई डी में, ठीक है। तो आप लोग मुझे जरूर वहाँ पर सपोर्ट कर देना, आ जाना इंस्टाग्राम पर, अपन लोग भी फ्रेंड बन जाएंगे यार। तो प्लीज़ चैनल पर ना सब्सक्राइब कर दो। जब तक चलता हूँ, बाय, जय माँ की।